आपको गाली देगा। और मुझे बताओ कि जो बाल्मीक समाज का जो गटर साफ करता है, क्या पुश्तैनी उसका काम गटर साफ करना है? वो शिक्षित बनके कुछ नौकरी आईएएस नहीं बन सकता? सबका साथ जब लेते हैं तो अल्लाह अकबर से क्यों डर लगता है तुम्हें? हर हर महादेव से क्यों डर लगता है तुम्हें? तो सबका साथ नहीं है ना इनको। प्रधानमंत्री बनाओ, क्राइम के रास्ते से गृह मंत्री बनाओ, क्राइम के रास्ते से सत्ता में आया हो और उत्तर प्रदेश का रास्ता भी जो सत्ता में जो क्राइम के माध्यम से चुना हो, तो वो कभी शांति से बैठने देंगे? लेकिन हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी रोज कोशिश कर रही है, कहीं मंदिरों में मीट फेंक रही है, कहीं मस्जिदों में मीट फेंक रही है, कहीं बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, बुरका पहन के अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, बुरका पहन के मीट फेंके जा रहे हैं। इस तरीके से अनर्गल काम भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से करवा रही है। कभी कभी कोई पुजारी कभी बलात्कार की सोच नहीं सकता। आत्मा पे इंद्रियों पे कंट्रोल करके ही पुजारी बनता है किसी भी धर्म का। जब तक इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा, आप प्रभु से ध्यान नहीं लगा सकते। तो ये सब भूखे भेड़िए बैठे हैं। जैसी हमने सत्ता गलत हाथों में दे दी, समझा कुछ और था, निकला कुछ और, ऐसे ही मंदिर हमारे कई बार गलत हाथों में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी मानसिकता ठीक नहीं है। और ये दलितों को और मुसलमानों को और ओबीसी को और ब्राह्मणों को और देश को हर तरीके से बांटना चाहती है। 2022 में सरकार का आता पता भी नहीं लगेगा कि सरकार कौन सी दिशा में गई है। और 2024 में सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा और पानी देवा वाला कोई नहीं रहेगा। दावा तो चाइना पे भी कर रहे थे, चाइना 200 किलोमीटर अंदर बैठा है। दावा तो इन्होंने बांग्लादेश पे भी किया था, दावा तो इन्होंने नेपाल भी किया था। जो नेपाली प्रधानमंत्री छोड़ के आए वो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है। तो दावे इनके सब फ्लॉप है। देखो, प्रधानमंत्री दबाव में है। प्रधानमंत्री पे पूरा की पूरी तरीके से अडानी अम्बानी और देश की कंपनियों का कब्जा है। ये देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के लिए काम नहीं कर रहा है। इसको चेहरा बना के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था वोट लूटने के लिए। और आपने जहां तक जाति जनगणना की बात की, जाति जनगणना की जो आवाज़ उठी है वो आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। जाति जनगणना देश को सही रास्ता दिखाने वाला एक सही फार्मूला है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि हम जाति जमीन पर नहीं करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की बात उठाती है। तो अब जाति धर्म की तुम बात उठाते हो वोट लेने के लिए, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हो आप, दलित सम्मेलन करते हो आप, ओबीसी सम्मेलन करते हो, तो जाति जनगणना भी लगे हाथ करा लो। तो जाति जनगणना अब किसी भी कीमत पर होगी। अब नहीं होगी तो सरकार बदलेगी उत्तर प्रदेश की और देश की तब होगी। ये जाति जनगणना देश के लिए बहुत जरूरी है। 2011 में जनगणना हुई थी, अब 2021 में ही जनगणना होनी है, तो ये अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। देखो, इस सरकार को सिर्फ फायदा ये है कि हमारा नौजवान जो हिंदू जो लड़के हैं वो अशिक्षित रहे, इनको जातियों का पता ना चले, इससे सिर्फ दो वक्त की रोटी के लिए लड़े और हमारे तिलक लगा के और इनके इनके अनुसार नारे लगाते रहे, भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाते रहे और इनकी दी हुई रोटी पे पलते रहे। तो ये करना चाहते हैं, देश की तरक्की, देश का विकास और देश को खुशहाल नहीं देखना चाहते हैं ये लोग। इनकी ये कमी है, क्योंकि देश को बर्बाद कर, आपको देख लो, सरकारी संस्थाएं, सरकारी स्कूल जिस तरीके से ये लोग बेचने में लगे हैं, सरकारी संस्थाएं इन्होंने रेलवे बेच दिया, LIC बेच दी, कौन सी संस्था छोड़ी जो नहीं बेच दी? तो देश को जिस हिसाब से बेचने में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो युवा हैं उसमें नहीं समझ पा रहे हैं कि ये देश के लिए घातक लोग हैं। जाति जनगणना अगर हो जाती है तो फायदा क्या है आपका? अगर नहीं होती है तो नुकसान क्या है? फायदा कुछ है ही नहीं। देखो, फायदा हम ये बताते हैं कि जो 50% इन्होंने ब्राह्मणों को एक आरक्षण दे दिया और ब्राह्मण ये समझ रहा है कि मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई, लेकिन अब क्रिमिलेयर खत्म, जो SC ST में और OBC में जो क्रिमिलेयर लगा दिया इन्होंने, तो उससे ये साफ पता चलेगा किसकी जाति कितनी है, उसको उतनी भागीदारी चाहिए इस देश में। तो सीधा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिसकी जितनी जाति हो, हमें गुजर लड़ रहे हैं, ये जाट लड़ रहे हैं, यादव लड़ रहे हैं, दूसरी जातियां लड़ रही हैं अपने अपने आरक्षण के लिए, तो आरक्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जाति विहीन समाज की परिकल्पना भी की जाती है, एक तरफ समता मूलक समाज बनाया जाता है और वहीं दूसरी तरफ आप जाति की भी बात करते। देखो, अगर जाति चाहे तो हम जमीन पे खत्म कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग रहेंगे तो आपकी जाति
के नाम पे आपको शोषण किया जाएगा। आप अगर दलित हो और आप किसी ऑफिस में हो तो आपको उस तरीके से शोषण किया जाएगा। आपकी एक मानसिकता अधिकारी जब बिठा दिया जाएगा तो आपका जाति का नाम लेके आपको गाली देगा। और मुझे बताओ कि जो बाल्मीकि समाज का जो गटर साफ करता है, क्या पुश्तैनी उसका काम गटर साफ करना है? वो शिक्षित बन के कुछ नौकरी IAS नहीं बन सकता? ये जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था है। जाति व्यवस्था को खत्म करो, और अगर खत्म नहीं करते हो तो जाति व्यवस्था के हिसाब से जनगणना करा के उसको उतना लाभ दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज पर तैयार नहीं, जाति के हिसाब से वोट मांग लेगी। अभी आपको पता है भारतीय जनता पार्टी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन क्यों कर रहे हो भाई? तुम महिला सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम गरीब सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम देश का राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों नहीं कर रहे हो? सबका साथ लेना चाहते हैं, सबका क्या? सबका साथ जब लेते हैं तो अल्लाह अकबर से क्यों डर लगता है तुम्हें? हर हर महादेव से क्यों डर लगता है तुम्हें? तो सबका साथ नहीं है ना इनको। बेटियों का तो तुम बलात्कार कर रहे हो, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। और एक बात बताओ, सबका साथ जब बुलंदशहर में और यहाँ खुर्जा में जब ब्राह्मण मारे जाते हैं तब तो तुम्हारी जबान नहीं खुलती। और वही ब्राह्मण अगर बंगाल उसमें मारे जाते हैं, महाराष्ट्र में महात्मा, तब तुम ये पंडित, तब तुम ये कहते हो कि जी देश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड है। देश इनसे उब चुका है, देश परेशान हो चुका है। अब बस सही समय का इंतजार कर रहा है कि 2022 नजदीक आ रहा है, किसी भी तरीके से इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। क्या लगता है जो लगातार महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायत जो मुजफ्फरनगर में हुई, लाखों की भीड़, क्या यह मुजफ्फरनगर फिर से एक बार राजनीति का केंद्र बनना चाह रहा? क्योंकि ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 2013 में जब हिंदू और मुसलमान के बीच फसाद हो गया था, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे, 5,000 लोग मारे गए थे। अब मुझे एक बात बताओ, जिसका क्राइम से ही प्रधानमंत्री बना हो, क्राइम के रास्ते से गृह मंत्री बना हो, क्राइम के रास्ते से सत्ता में आया हो, और उत्तर प्रदेश का रास्ता भी जो सत्ता में जो क्राइम के माध्यम से चुना हो, तो वो कभी शांति से बैठने देंगे? किसान एक बहुत बड़ा संकेत देना चाहता है देश को कि हम भाईचारे से रहना चाहते हैं, और ये लोग भाईचारे से नहीं रहने देना चाहते हैं। इन्होंने ये संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो महापंचायत हुई है वो सभी समाज की, सभी वर्गों की और सभी धर्मों की पंचायत थी, और सिर्फ उसमें किसान शामिल हुआ था। और उस किसान से सीधा संकेत दिया है कि हम आपस में लड़ना नहीं चाहते, और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू और मुसलमान में लड़ा देना चाहते हैं। और ये देश समझ रहा है कि अब हिंदू मुसलमान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का आने का रास्ता क्लियर है। लेकिन हिंदू मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी रोज कोशिश कर रही है, कहीं मंदिरों में मीट फेंक रही है, कहीं मस्जिदों में मीट फेंक रही है, कहीं बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, बुर्का पहन के अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, बुर्का पहन के मीट फेंके जा रहे हैं। इस तरीके से अनर्गल काम भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से करवा रही है। लेकिन देश का किसान अब बिल्कुल सही माइंड सेट कर लिया है, हिंदू ने और मुसलमान ने, कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं। भाई ये लड़ाने वाले कौन थे? जो मंदिरों में जो साधु सन्यासी, जो दलित बेटियों के साथ जो रेप घटनाएं आ रही हैं, क्या ये यही साजिश का हिस्सा है क्या ये? नहीं तो वो साधु और सन्यासी हो सकते हैं? हाँ। आप देखो ना, जो बलात्कार करता हो वो कैसे सन्यासी हो सकता है? आप मुझे बताओ, जो आप कैसे कह सकते हो कि वो सन्यासी है? सन्यासियों का तो लेना है, मंदिर के अंदर वो पुजारियों के भेष में भेड़िए बैठे हैं, वो पुजारी नहीं हो सकते हैं। वो जैसे हमने गलत डायरेक्शन में हमने सरकार दे दी, ऐसे ही लोग मंदिर भी गलत डायरेक्शन में देते हैं। कभी कभी कोई पुजारी कभी बलात्कार की सोच नहीं सकता। आत्मा पे, इंद्रियों पे कंट्रोल करके ही पुजारी बनता है किसी भी धर्म का। जब तक इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा आप प्रभु से ध्यान नहीं लगा सकते। तो ये सब भूखे भेड़िए बैठे हैं। जैसी हमने सत्ता गलत हाथों में दे दी, समझा कुछ और था, निकला कुछ और, ऐसे ही मंदिर हमारे कई बार गलत हाथों में चले जाते हैं, होते कुछ और हैं। सही हाथों में लेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये देश सही हाथों में जाएगा तो हर चीज अब सही हाथों में जाएगी। आपने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, तमाम मंदिरों के जो ट्रस्ट हैं, तमाम मंदिरों की बात नहीं है। हाँ। तमाम मंदिरों की बात नहीं है, बात सिर्फ उनकी है जो देश में गलत धारणा फैला रहे हैं, गलत संकेत लोगों को दे रहे हैं और देश गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। बात उनके लिए है, चाहे वो, एक बात बताओ, मंदिर तो लाखों मंदिर है। तमाम मंदिरों के पुजारी जो है ब्राह्मण है, क्या आप उस मंदिर का महंत और पुजारी बनना चाहेंगे क्या?
क्यों नहीं, अरे क्यों नहीं, पुजारी महंत ब्राह्मण इस बात को मानते हैं। हाँ। इस बात को देश का जो जो एक प्रबुद्ध वर्ग है, जो समझदार ब्राह्मण है। हाँ। वो ब्राह्मण वो मानते हैं कि जो विद्वान है। हाँ। जिसे ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। हाँ। ब्राह्मण कोई जाति थोड़ी होती है। हाँ। ब्राह्मण वही होता है जिसे ज्ञान होता है। हाँ। और ज्ञान आपको, तो आप भी ब्राह्मण हो। राम मंदिर का महंत क्यों किसी दलित को क्यों नहीं बना? ये भारतीय जनता पार्टी है ना, अगर यही कोई और सरकार होती, अगर यही कोई और सरकार होती तो शायद राष्ट्रपति जी वहां मंदिर में जाते। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जो अखिलेश यादव जी जब अपना आवास खाली करते हैं तो उसे धुलवाया जाता है ना। राष्ट्रपति जी को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी मानसिकता ठीक नहीं है। और ये दलितों को और मुसलमानों को और ओबीसी को और ब्राह्मणों को और देश को हर तरीके से बांटना चाहती है। देश बंटना नहीं चाहता है, देश एक संविधान एक राष्ट्र के नीचे रहना चाहता है। अगर जातियों की जनगणना होगी तो हर जाति को लाभ मिलेगा, हर जाति को फायदा मिलेगा। हमें अपने सरकार से पूरी मजबूती, सरकार वोट से आई है, वोट से जाएगी। 2022 में सरकार का आता पता भी नहीं लगेगा कि सरकार कौन सी दिशा में गई है। और 2024 में सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेवा और पानी देवा वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि अब सही दिशा में अन्नदाता जाग गया। 300+ का दावा का दावा तो चाइना पे भी कर रहे थे। चाइना 200 किलोमीटर अंदर बैठा है। दावा तो इन्होंने बांग्लादेश पे भी किया था, दावा तो इन्होंने नेपाल भी किया था। जो नेपाली प्रधानमंत्री छोड़ के आए वो हमारे ऊपर गोलियां चला रहा है। तो दावे के सब फ्लॉप है। दावा इन्होंने आखिरी व्यक्ति तक बैठा विकास के ही दावा किया था, वो विकास अडानी अम्बानी तक रह गया। दावा तो इन्होंने डबल आय का भी किया था, वो डबल आय अडानी अम्बानी के 1000 गुना आय बढ़ गई। दावा तो इन्होंने ये किया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार छीन लिए लोगों के। दावे इनके बहुत थे लेकिन सारे दावे उल्टे हो गए। सिर्फ प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को अपने मित्रों का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, देश को गर्दिश में देना चाहता है। और ये देश और अन्नदाता अब देश को जगाएगा और पूरा राष्ट्र जागेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस देश से भगाएगा। यही एक रास्ता देश की तरक्की का और देश की खुशहाली का है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।